अस्सलाम वालेकुम। और आज हम यूनिवर्सिटी की कुछ आपको इंफॉर्मेशन देंगे और स्टूडेंट की जो हमारे पास आई यहाँ पे हैं घर पे जो बच्चों को तालीम देती हैं बच्चे उनके पास मेट्रिक FASL के स्टूडेंट्स आते हैं जिनसे तालीम से इस्तेफादा हासिल करते हैं और बहुत से बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा बच्चों को तालीम से रास्ता किया है इनकम के लेवल से बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छे जॉब कर रहे हैं इधर से तालीम हासिल करके और फायदा उनको होता है। और आपको बताया कि तालीम ऐसी चीज़ है जो किसी भी उम्र और किसी भी वक्त कभी भी काम इंसान के मुश्किल वक्त में अच्छे वक्त में काम आती है और वक्त यानी कि इंसान के पास हो तो कहीं ये हुनर नहीं रहता और खुद की जात के अलावा भी दूसरों को भी ये फ़ायदा इससे हासिल होता रहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे घर से तालीम हासिल करती गई हैं और आज अलामा यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन डेफिनेशन बताएंगे कि ये बहुत अच्छी अच्छा ये अलामा यूनिवर्सिटी से आपकी असाइनमेंट आई है जो इनको आप कंप्लीट कर रही हैं। सही है, ठीक है। तालीम का जरिया है और ये पूरे पाकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी बहुत बल्कि पाकिस्तान में क्या है पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सिटी बहुत अहमियत की हामिल है। पूरी दुनिया में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे आई है क्योंकि इसने बहुत अहम किरदार अदा किया है। इसने पाकिस्तान की खवानगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ऐसे स्टूडेंट जो यानी कि ऐसे तलबा जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और उनके लिए स्कूल और कॉलेज बड़े दूर है उनके लिए आना जाना मुश्किल है लिहाजा वो ओपन यूनिवर्सिटी से वो तालीम हासिल करके इसकी डिग्री वैलिड है। सही बात। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री भी उतनी ही वैलिड है जितनी की पंजाब की। सही, जितनी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है ना उतनी ही अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी की डिग्री वैलिड है। ये एक स्टूडेंट थी आप ही की जो आई हुई है ये अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एफ ए कर रही है। क्या कर रही हूँ एफ ए कर रही हूँ और माशाल्लाह से काफ़ी बच्चियाँ आती हैं जो आपके पास आके कुछ मेट्रिक या एफ ए या एफ एस सी कोई भी हो आप ही से हेल्प वगैरह लेनी हो या कुछ काम हो तो वो फिर आके तो बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट लेते हैं सपोर्ट होती है उनकी भी आपस और माशाल्लाह से तो कुछ मेरा ख्याल है रिटर्न का काम था वो करवा रही हैं आप इसे तो वापी आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अच्छा ये होता है कि उर्दू की रेटिंग राइटिंग तो किसी किसी की बहुत ही अच्छी होती है और कुछ लोगों की जो कि बहुत ही अजीब सा भी उर्दू में लिख जाते हैं और समझ भी नहीं आती कि क्या लिख जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है लिखी हुई राइटिंग साफ पता चल रहा है कि अल्फाज कुछ खत अल्फाज लिखे जा रहे हैं ब्लैंक है हर जगह पुर कर रही हैं अभी इसको भी तो हल भी करेंगे मसीद काम है बड़ा अच्छा। तलीम एक ऐसी चीज़ है जो यानी कि बंदा दूसरों को भी है कि ये अगर ये इंसान हासिल कर लेना तो ये ना एक खजाना है ये एक खजाना है ये एक ऐसा खजाना है जिसको जितना खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। ठीक है ना सही बात। ये तलीम इतनी आप हासिल करें खजाना है जिसको जितना खर्च करें ये उतना ही बढ़ता है कम नहीं पड़ता। सही बात है। इसको कोई ना चोर लूट के लेके जा सकता है ना इस इंसान की शख्सियत भी वाकई निकाल देती है शख्सियत बनती है इंसान। सही बात है। तालीम को महज प्रोफेशन नहीं इल्म समझ के हासिल करें लेके महज तक काम आती है से लेके लेटर तक कह रही थी कि मम्मा इतने दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बना रही आप। मैंने कहा अच्छा टाइम निकाल के निकालती हूँ कोई और ये अली अब्बास है लेटा हुआ है ये जमींदार खेल रहे हैं करवाई हुई है।
इसने टिंड करवा ली है, टिंडे ने टिंड बनी हुई है, गर्मी बहुत थी। और दूसरी बात ये है कि इधर देखो सीधे हो जाओ, ये देखिए ये है टिंड, अली अब्बास की टिंड। इतने दिन से हम ब्लॉग नहीं कर रहे थे ना, तो अली अब्बास सा हो गया था, 3-4 दिन हो गए, टेम्परेचर हुआ था। क्या हुआ टिंड करवा के अजीब सा बच्चों की शक्ल चेंज हो जाती है, साइकिल पे झूले से ये साइकिल लेके अंदर कमरे में ही आ गए, घुस गए वीर है जो आपको पता, ये घर पर से